आज हम बात करेंगे धान की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए। धान एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है जो पूरे विश्व को आधी से ज़्यादा आबादी को भोजन प्रदान करती है। चावल उत्पादन में सर्वप्रथम चाइना के बाद भारत का द्वितीय स्थान आता है। भारत में धान की खेती लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल के हिसाब से की जाती है। इस वीडियो में बात करेंगे धान में लगने वाले प्रमुख रोग और उसकी पहचान और उसका प्रबंधन और उसका नियंत्रण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं धान के झोंका रोग के बारे में। यह धान का प्रमुख रोग होता है जो कि पायरिकुलेरिया और एजी नामक फूंदी के कारण लगता है। इस रोग के लक्षण सामान्य रूप से पत्तियों और पुष्प गुच्छ की ग्रीवा पर अधिक देखने को मिलते हैं। प्रारंभ में लक्षण पत्तियों के निचले सिरों पर धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। ये धब्बे भूरे रंग के होते हैं। इन धब्बों की आकृति आँख के आकार की व नाव के आकार की होती है। बाद में ये धब्बे पौधों के हरे भाग को पूर्ण रूप से ढक लेते हैं जिसके कारण हमारी फसल जली हुई प्रतीत होती रहती है। अब बात कर लेते हैं रोग प्रबंधन के बारे में। सदैव रोग रोधी किस्म का चयन करना चाहिए। बीज का चयन रोग रहित फसल से करना चाहिए। बीज की बुआई करने से पूर्व हमें ट्राइकोडर्मा से बीज को उपचारित करके ही बीज की बुआई करनी चाहिए। फसल की कटाई के तुरंत बाद खेत में बचे अवशेष व रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर खेत से कहीं दूर जाकर नष्ट कर देना चाहिए। फसल में रोग नियंत्रण के लिए बायोवेल का जैविक कीटनाशी बायोट्यूपर 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 120 से 150 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जीवाणु झुलसा या झुलसा रोग के बारे में। यह रोग जेंथोमोनास और आईजी नामक फूंदी से फैलता है। इसे 1908 ईस्वी में जापान में सबसे पहले देखा गया था। अब बात करते हैं रोग की पहचान के बारे में। यह बीमारी पौधों में छोटी अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक कभी भी और कहीं भी लग सकती है। इस रोग में पत्तियां नोक से अथवा किनारों से सूखने लगती हैं। इन सूखी हुई पत्तियों के साथ पत्तियों पर राख की तरह और या फिर भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने लग संक्रमण के कारण पत्तियां सूख जाती हैं और बालियों में दाने नहीं पड़ते हैं। इस कारण हमारी उपज भी कम हो जाती है। रोग प्रबंधन। बीजों की बुआई करने से पूर्व 2.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और 25 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल बनाकर 12 घंटे तक हम अपने बीज को उसमें भिगोएंगे। अगर यह बीमारी खेत में लगी है तो अपने खेत में नाइट्रोजन का प्रयोग हम कम करेंगे। जिस खेत में बीमारी लगी है उस खेत का पानी हमें दूसरे खेत में नहीं जाने देना है और सिंचाई भी कम करनी है। जाहिर सी बात, बीमारी को रोकने के लिए जल निकास की सुविधा हमें अपने खेत में करनी है। धान का भूरा धब्बा रोग। यह रोग बीज जनित रोग है। यह रोग हेलमेंथो रोजाई नामक फफूंदी के कारण फैलता है। इस रोग के कारण बंगाल में अकाल पड़ा था। धान के भूरे धब्बा रोग की पहचान हम किस प्रकार से करेंगे। इस रोग में पत्तियों अथवा दानों पर गहरे कत्थई रंग के गोल अथवा अंडाकार धब्बे बन जाते हैं जिसके कारण हमारी पत्ती जली हुई प्रतीत होती है। यह रोग हमारी फसल में पौध अवस्था से लेकर दाने बनने तक की अवस्था तक लग सकता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए बायोवेल का जैविक कीटनाशी बायोट्यूपर 500 ml प्रति 150 से 200 लीटर पानी में घोल बढ़ाकर छिड़काव कर सकते हैं। कीट झुलसा रोग या आवरण झुलसा रोग के बारे में बात करते हैं। यह रोग एक फफूंदीजनक रोग है जो कि राइजोक्टोनिया सोलेनाई नामक कारक के द्वारा फैलता है। यह रोग धान में अपना प्रमुख स्थान रखता है जो कि उपज में 50% तक नुकसान पहुँचाता रहता है। अब बात कर लेते हैं इस रोग की पहचान के बारे में। इस रोग का संक्रमण हमारी नर्सरी अवस्था से दिखना प्रारंभ हो जाता है जिसके कारण हमारे पौधे नीचे से सड़ने लगते हैं। इसके लक्षण पौधों में किले बनने तक की अवस्था तक नजर आता रहता है जिसके कारण लीफ सीड पर जल सतह के ऊपर धब्बे बनने प्रारंभ हो जाते हैं। ये धब्बे गहरे भूरे रंग के व हल्के रंग के होते हैं जिसके कारण पत्तियों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। यह रोग खेत में सितंबर और अक्टूबर में अधिक देखने को तीव्र रूप में मिलता है। संक्रमित पौधों में बाली कम निकलती है और दाने भी कम बनते हैं जिसके कारण हमारी उपज में कमी आ जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके रोग प्रबंधन के बारे में। धान की रोग रोधी प्रजातियों का ही प्रयोग करें। शुद्ध एवं स्वस्थ बीजों का चयन करें। बीज को फफूंदी नाशक से उपचारित करके ही बुआई करनी चाहिए। मुख्य खेतों में मेढ़ों से अपने खेत में खरपतवार को नष्ट करते रहें। हो सके तो कम से कम उर्वरक का प्रयोग करें। आवश्यकता होने पर उर्वरक को 2 से 3 बार में दे सकते हैं। फसल में रोग नियंत्रण हेतु बायोवेल का जैविक कवकनाशी बायोड्यूपर 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से
120 से 150 लीटर पानी में घोल बनाकर अच्छी तरह से छिड़काव करें। अब बात कर लेते हैं धान के प्रमुख रोग के बारे में, यानी कि धान का खैरा रोग। जैसा कि हम सबको पता है कि धान का खैरा रोग जस्ते की कमी से होता है, यानी कि जिंक की कमी से। इस बीमारी के लगने से हमारे पौध की निचली पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और बाद में इस पर भूरे रंग के धब्बे बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण पौधों की पत्तियाँ पीली पड़कर सूख जाती हैं और किले भी कम निकलते हैं और बढ़वार भी रुक जाता है। अब बात करते हैं इसके रोग प्रबंधन के बारे में। इस रोग को रोकने के लिए 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से हमें अपने खेत में जुताई के पूर्व या फिर पौध लगाने के पूर्व हमें अपने खेत में देना है। इसकी रोकथाम के लिए 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट व 1 किलोग्राम चूना को 250 से 300 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। आवश्यकता होने पर 10 दिन के अंतराल पर फिर से छिड़काव कर सकते हैं। आभासी कंड रोग, ध्वज कंड रोग और हल्दी रोग के बारे में बात करते हैं। यह रोग क्लेवी, सिप्स और आईजी नामक फफूंदी के कारण फैलता है। इस रोग से उपज में 40% तक नुकसान देखा गया है। अब बात करते हैं रोग की पहचान के बारे में। इस रोग के लक्षण केवल पौधों की बालियों में ही दिखाई पड़ते हैं और बाली में कहीं कहीं बिखरे हुए दाने मखमल के तरह समूह में दिखाई देते हैं। यह दाने अनियमित रूप में गोल व अंडाकार हो जाते हैं। इस रोग में बाली में कुछ ही दाने प्रभावित होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके रोग प्रबंधन के बारे में। बीज को सदैव ट्राइकोडर्मा से उपचारित करके ही बीज की बुआई करनी चाहिए। खेत को हमेशा खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। खेत तैयार करते समय खेत को अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए और उसके बाद गहरी जुताई करके खेत को खुला छोड़ देना चाहिए। रोग नियंत्रण एंड बायोवेल का जैविक कवकनाशी बायोट्यूपर 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर अच्छी तरह से छिड़काव करने के बाद अपनी फसल को रोग से बचा सकते हैं। यह जानकारी हमने biowellorganic.com वेबसाइट से ली है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।